स्वागत है आपका जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में। मैं हूं आदाब खान और वक्त हो चला है आज की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। नरसिंहपुर में लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत युवा मतदाता संसद का आयोजन 5 अप्रैल को शासकीय पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें युवा मतदाताओं को आमंत्रित किया गया है। युवा मतदाता संसद में युवाओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मतदाता सूची में युवा मतदाताओं के नाम की पुष्टि भी की जा सकेगी। कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना की मौजूदगी में संपन्न हुआ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश में मतदान का बहुत ही अधिक महत्व है। यहाँ पर मतदान एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। इसी क्रम में पीजी कॉलेज नरसिंहपुर में आज युवा मतदाता सांसद का आयोजन किया गया था, जिसमें ईवीएम और चुनाव से संबंधित अन्य जानकारी देना और कैसे वोट करते हैं इस बारे में बताया गया है। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आइए, अपनी जन भागीदारी दें और मतदान अवश्य करें। आज पीजी कॉलेज में युवा मतदाता संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ईवीएम मशीन से मतदान कैसे किया जाता है एवं मतदान के संबंध में अन्य जानकारियां दी गई। आप देख रहे हैं यहाँ संसद का मंचन हो रहा है। जिस प्रकार से संसद की गतिविधि चलती है उसी तरीके से, और दो दल बनाए गए हैं, दल क्रमांक 1 और दल क्रमांक 2। दोनों आपस में एक दूसरे से प्रश्न करेंगे, उत्तर देंगे, और जो निर्वाचन के प्रश्न हैं, जानकारी है, उसको साझा करेंगे, ताकि इसे सीखेंगे भी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है बेसिकली। और हम लोग अभी इसके बाद इसे प्रश्नोत्तर भी करेंगे, छात्र छात्राओं से भी प्रश्न पूछेंगे और उनके जवाब देंगे, कुछ वो आपस में प्रश्न पूछेंगे मंच के माध्यम से। और ये कुल मिला के युवाओं को एक मंच उपलब्ध कराया गया है हमारे इसमें, कॉलेज के जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं, डिग्री कॉलेज के हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज के हैं, आईटीआई के हैं, कुछ विद्यालय छात्र छात्राएं जो अभी 18 साल के होने वाले हैं, ताकि वो दूसरे मतदाताओं को प्रेरित कर सकें। नरसिंहपुर से नीलेश मेहरा की रिपोर्ट।